हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला डिजिटल मार्केटिंग का यूनिट थ्री से आज हम लोग सर्च इंजन मार्केटिंग ऑर्गेनिक सर्च इन ऑर्गेनिक सर्च एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग पढ़ेंगे इसमें सर्च इंजन मार्केटिंग का स्टेप्स भी पढ़ेंगे इसी वीडियो में हम लोग जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप चैनल में पहली बार विज़िट करें तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इनके यूनिट वन और टू को भी देखें जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ताकि ये वीडियो आपको समझ में आएगा सर्च इंजन मार्केटिंग सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होता है उनका डिफिनेशन्स देख लेते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ गेनिंग मार्केट ऑनलाइन बाय परचेजिंग एड्स ऑन सर्च इंजनस सर्च इंजन मार्केटिंग एक प्रोसेस है ऑनलाइन परचेजिंग करने का एड्स के द्वारा जो कि सर्च इंजन्स में अवेलेबल होता है मींस हम ये कह सकते हैं कि सर्च इंजन मार्केटिंग वह एक प्रोसेस है जिससे मार्केटिंग को हम अपना ऑनलाइन मार्केटिंग को गेन कर सकते हैं पर एड्स को परचेज़ करके और उसे सर्च इंजन्स में रन करके एक ऑनलाइन मार्केटिंग हम गेन कर सकते हैं जो एड्स आते हैं आपके सामने जो भी वीडियोस आप जब प्ले करते हैं या तो कोई भी वेबसाइट पे जाके देखते हो या तो यूट्यूब में भी वीडियोस जो देखते हैं तो उसमें जो एड्स चलते हैं छोटे छोटे वो एक ऑनलाइन मार्केटिंग अपना गेन करते हैं उसी को सर्च इंजन मार्केटिंग कहा जाता है सर्च इंजन मार्केटिंग इन्वाल्वस द प्रोमोशन ऑफ वेबसाइट्स बाई इंक्रीजिंग दियर विजिबिलिटी इन सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस सर्च इंजन मार्केटिंग में इन्वॉल्व होते हैं प्रमोशंस किसी भी वेबसाइट्स का जिसमें वो इंक्रीज करते हैं अपनी विजिबिलिटी को सर्च इंजन रिज़ल्ट पेज पे ताकि कोई भी रिज़ल्ट आप कोई भी सर्च करते हैं वेबसाइट को किसी भी सर्च इंजन पे तो उसमें आपके जितने भी उनके रिलेटेड पेजेस होते हैं वो आपके सर्च इंजन में दिख जाते हैं सर्च इंजनस द सर्च इंजनस लगोरिद्म टू प्रोवाइड द मोस्ट रिलेवेंट रिज़ल्ट टू एवरी यूज़र्स सर्च इंजनस जो है एक ऐसा एल्गोरिथ्म वो प्रोवाइड है, करते हैं यूज़ करते हैं जिससे आपको सारे रिज़ल्ट जो है हर यूज़र्स को सारे रिलेवेंट जो आ, उसके रिज़ल्ट होते हैं आपके जो टॉपिक्स होते हैं जिस टॉपिक्स पर आप जिस टॉपिक को आप सर्च करते हैं उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्टेंट होते हैं जितने भी उसके रिजल्ट होते हैं पेजेस होते हैं वो आपके सामने आ जाता है फॉर प्रोड्यूसिंग बेस्ट सजेशंस टू द यूज़र्स क्वेरीज और ये प्रोड्यूस करते हैं सजेशंस करते हैं जो भी किसी भी यूजर्स के क्वेरीज रहते हैं दे कंसिडर नोट वनली सर्च कीवर्ड्स एक यूज़र सिर्फ आपको उसका सर्च कीवर्ड्स ही कंसिडर नहीं करता है बल्कि ऑल्सो यूज़र्स लोकेशन location, अपना लोकेशंस भी देता है टाइप ऑफ डिवाइस भी बताता है एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी दे आर वर्किंग ऑन यूज़र्स प्रेफरेंस एंड देयर आइडेंटिटीज़ वो तब क्या करते हैं सर्च इंजन्स अपनी आ, जो यूज़र्स हैं उनके प्रेफरेंस में काम करते हैं, उनकी आइडेंटिटीज उनके आइडेंटिटीज़ पे काम करते हैं अब ऑर्गेनिक सर्च क्या होते हैं ये बहुत बार एग्ज़ाम में आ जाते हैं ऑर्गेनिक सर्च है इट इज़ बेटर एंड सेफर टू स्टार्ट विद ऑर्गेनिक एस ई ओ मीन्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इन केस ऑफ स्मॉल बिजनेस सर्च जो ऑर्गेनिक सर्च है एक बेटर और एक सेफ है जो स्टार्ट कर सकते हैं आप ऑर्गेनिक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस के साथ इन केस अगर आपका कोई भी स्मॉल बिजनेस है तभी ऑर्गेनिक सर्च का आप इस्तेमाल कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इट रिक्वायर्स लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट क्योंकि ऑर्गेनिक सर्च में जो है बहुत कम कॉस्ट लगता है बहुत कम ही कॉस्ट इन्वेस्टमेंट करना होता है इट बिल्ड्स योर इंटरनेट प्रिफ्रेंस एंड क्रिएट्स आ सॉलिड फाउंडेशन फॉर योर बिजनेस क्योंकि एक आ, इंटरनेट पे एक प्रेफरेंसेस जो है क्रिएट्स कर देते हैं और एक सॉलिड फाउंडेशंस बना देते हैं आपके बिजनेस के लिए इट इज़ फाउंड दैट द ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट आर वेरी मच लाइकली टू गेट अटेंशन ऑफ द व्यूअर्स। क्योंकि ये फाउंड करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है किसी भी यूजर्स के लिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और किसी भी व्यूवर्स को जल्दी से जल्दी ये अपनी ओर अटेंशन कर लेता है अट्रैक्टिव कर लेता है जिसे ऑर्गेनिक सर्च कहा जाता है अब है इनआर्गेनिक सर्च ऑर्गेनिक सर्च तो देख लिए जो कि स्मॉल बिजनेस के लिए यूज़ किया जाता है अब इनआरगेनिक सर्च जो है इनआरगेनिक एस ई ओ इज़ गुड फॉर कस्टमर टारगेटिंग अब इन ऑर्गेनिक जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशनस हैं वो किसके लिए है कस्टमर्स को टारगेट करने के लिए यू नीड टू मैक्स योर यू आर इन्वेस्टिंग इन द अप्रोप्रिएट एडवर्टाइज आपको ये मैक्स्योर sure करना चाहिए आपको ये मैक्स्योर sure करना होगा कि आप इन्वेस्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं एडवर्टाइज को अप्रोप्रिएट करने के लिए करने में यू नीड ह्यूज फंड्स टू हायर आ मैनेजमेंट और योर ऑन डेडिकेटेड एक्सपर्टाइज आपको ये ह्यूज फंड्स जो है वो लगाना होगा एक मैनेजमेंट को एक हायर करने के लिए या तो आपका एक ख़ुद का डेडिकेटेड एक्सपर्टाइज होनी चाहिए जिसके लिए बहुत ज़्यादा फंड्स लगते हैं एक ह्यूज फंड्स लगते हैं विच कैन टेक केयर ऑफ योर पेड सर्विस सर्च जिससे आपका वो टेक कर सके केयर कर सके आपके जो भी सर्च uh, करने के लिए जो अभी आपने पेड्स किया है उसका वो टेक uh, uh, कर सके उसका केयर टेकर कर सके। स्टेप्स इन सर्च इंजन मार्केटिंग अब सर्च इंजन मार्केटिंग में क्या क्या स्टेप्स हैं पहला है डिफाइन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी आपके बिजनेस का इफेक्टिव स्ट्रैटेजी क्या है वो चीज़ आपको आइडेंटिफाई करने हैं आई होप कि आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक समझ में आया होगा अगर नहीं आया है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं मैं दोबारा उनको समझा दूंगा। और ये एग्ज़ाम में आता भी है और स्टेप्स जो है सर्च इंजन मार्केटिंग का ये भी आता है तो पहला पॉइंट्स है डिफाइन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी उनके उनके जो अंदर में आते हैं कि डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस सबसे पहले आप अपने टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करिए कि आपके टारगेट ऑडियंस है कौन देन आइडेंटिफाई देयर नीड्स एंड मोटिवेशंस। अपने अपने ऑडियंस को टारगेट कर लिया उसके अभी नीड्स और उसके उसे उस कस्टमर्स को आ, किस चीज़ से उसे मोटिवेशंस मिलता है किस चीज़ उसे मोटिवेट करता है वो चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी है उनके हाईलाइट हाउ योर प्रोडक्ट इज़ बेस्ड टू सर्व देयर नीड्स और आपको हाईलाइट करनी है आपके प्रोडक्ट को कि उसके नीड्स और वांट्स को कैसे ये सर्व करता है कैसे ये फुलफिल करता है रिव्यू योर बिजनेस पोजिशन इन द मार्केट प्लेस और मार्केट प्लेस में आपका बिजनेस का क्या रेपूटेशन है क्या पोजिशन है वो आपको रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है आइडेंटिफाई योर कॉम्पिटिटर्स और आपके कॉम्पिटिटर्स को भी आइडेंटिफाई करने हैं आपको कि हमारे कॉम्पिटिटर्स का क्या स्टेटस है क्या पोजीशन है मार्केट में वो भी आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है आइडेंटिफाई योर स्पेसिफिक गोल्स एंड बेंच आपके एक स्पेसिफिक गोल्स क्या है बेंच क्या आपने सेट करा है वो चीज़ आपको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है नंबर टू जो है इनके राइट कीवर्ड्स चूज़ राइट कीवर्ड्स आपको कीवर्ड्स जो है सही चूज़ करने हैं जैसे सेलेक्ट द फ्रेजेस दैट आर फ्रीक्वेंटली सर्च बाई योर टारगेट कस्टमर्स ऐसा आप फ्रेज सेलेक्ट करिए जिससे आपका जो कस्टमर्स जो टारगेट कस्टमर्स है वो उसे ईजीली सर्च कर सके और सर्च करके उसे उसको आ, देख सके उसे मिल सके नंबर टू है कंडक्ट ब्रेन स्ट्रॉम सेशंस फॉर पोटेंशियल टर्म्स योर कस्टमर्स यूज़ वैन थिंकिंग अबाउट योर प्रोडक्ट्स एंड कैपिलिटीज़ ऐसा एक उसके ब्रैन स्ट्रॉम्स में एक ऐसा सेसंस आप कर दीजिए जो कि आपके कस्टमर्स को ना एक उसमें पोटेंशियल दिख जाए और वही आपके प्रोडक्ट्स के बारे ही वो और उसके कैपेसी कैपेबिलिटीज़ के बारे ही वो अपना सोचता रहे कि हाँ अगर मुझे प्रोडक्ट लेने फलाने तो उसी ब्रांड का ही लूँगा वही प्रोडक्ट ही लूँगा ऐसा उनके दिमाग में उनके थिंकिंग में आपके प्रोडक्ट के बारे बैठ जाना चाहिए नंबर थ्री है इंटरेक्ट विद योर सेल्स एंड कस्टमर सर्विस टीम्स ऐसे वो अट्रैक्टिव हो सके अट्रैक्ट हो सके आपके सेल्स और कस्टमर सर्विस टीम के साथ ऐसा उनमें एक सर्विसेज हो नंबर थ्री है ऑप्टिमाइज़ योर वेबसाइट कंटेंट आपके वेबसाइट में क्या कंटेंट है वो आपको ऑप्टिमाइज़ करनी ज़रूरी है नंबर वन है फोकस ऑन ऑन योर वेबसाइट स्ट्रक्चर। आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा है किस टाइप में रखना चाहिए उस पर फोकस करना ज़रूरी है नंबर टू है क्रिएट क्लियर एंड करेक्ट कंटेंट। जो भी आप उसमें कंटेंट आप क्रिएट करेंगे वो बिल्कुल क्लियर और करेक्ट होना चाहिए दैट कैन रिटेन यूजर्स अटेंसन ताकि उससे यूज़र्स के जो अटेंशन है उसको रिटेन कर सके अपनी ओर खींच सके अटेंशन कर सके नंबर फोर है सबमिट योर वेबसाइट फॉर इंडेक्सिंग आपकी वेबसाइट को इंडेक्सिंग के लिए सबमिट करना होगा आपको टू बी विजिबल ऑनलाइन टू द कस्टमर्स ये बिल्कुल विजिबल होनी चाहिए ऑनलाइन पे कस्टमर्स के लिए कस्टमर्स को इंश्योर दैट और ये इंश्योर्स करिए कि ऑल द पेजेस ऑफ योर वेबसाइट ये इंश्योर करिए कि आपके सभी वेबसाइट के सभी पेजेस जो है आर कम्प्लीटली इंडक्स्ड पूरी तरीके से वो इंडक्स्ड होनी चाहिए वेबसाइट पर बाई द सर्च इंजन्स वो इंजन्स पे पूरी तरीके सर्च इंजन्स पे पूरी तरीके से कम्प्लीटली इंडक्स्ड होनी चाहिए ताकि द सर्च इंजन सर्च एज़ ग या हु ए टी सी ताकि वो जो भी सर्च इंजन्स हैं गूगल या हो अलग अलग सर्च इंजन्स जो हैं उस पर उसको प्रॉपरली दिख जाए आपके वेबसाइट के सारी पेजेस। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग देख लेते हैं जाहिर सी बात है आप फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम ये सारे आ, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया इज़ द टर्म कॉमनली गिवन टू इंटरनेट एंड मोबाइल बेस्ड चैनल्स एंड टूल्स अब इस डेफिनेशंस को देखने से पहले सोशल मीडिया के बारे आप ख़ुद से भी एक डेफिनेशंस देने का कोशिश करें ताकि बेहतर होगा कि सोशल मीडिया एक टर्म है जो कॉमनली इंटरनेट या मोबाइल बैंकिंग मोबाइल पे बेस्ड होता है और इसमें अलग अलग चैनल्स और टूल्स होते हैं देट अलाउ यूज़र्स टू इंटरेक्ट विद ईच अदर्स जो कि यूज़र्स को अलाउ करता है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होने का जुड़ने का एंड शेयर ओपिनियंस और एक दूसरे के ओपिनियंस को शेयर करने का थिंकिंग को शेयर करने का ये अलाउ करता है सोशल मीडिया इट्सल्फ इज़ आ कैच ऑल टर्म फॉर साइट्स एक सोशल मीडिया क्या है खुद से एक साइट से जो कि कैच करता है सभी टर्म्स को दैट मे प्रोवाइड रेडिकली डिफरेंट सोशल एक्शंस जो प्रोवाइड्स करते हैं बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी अलग अलग सोशल एक्शंस को आपके साथ सामने अगर आप फेसबुक खोलेंगे या इंस्टा या कुछ भी खोलेंगे तो कितना जल्दी जल्दी आपके सामने अलग अलग तरीके मैसेजेस अलग अलग तरीके का कंटेंट आते रहते हैं ट्विटर इज़ आ सोशल साइट डिज़ाइन टू लेट पीपल शेयर शॉर्ट मैसेजेस और अपडेट्स विद अदर्स जैसे एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल है कि स, जो ट्विटर्स हैं वो एक सोशल साइट है जिसे डिज़ाइन किए गए हैं लोगों के लिए जुड़ने के लिए ताकि वो आ, अपनी छोटे छोटे मैसेज को जो है अपडेट्स को एक एक दूसरे के साथ वो शेयर्स कर सके तो आई होप कि आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग समझ में आया होगा तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल में पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो को एंड तक देखें आगे की वीडियो को देखने के लिए आप चैनल पे बने रहें थैंक यू सो मच कीप वॉचिंग कीप सपोर्ट